हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सरकारी योजना का जितने भी लाभ है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया या फिर आवास योजना का लाभ हो गया और भी अन्य कई सारे योजनाएं हैं जिनका लाभ अगर आपको मिलता है तो उन सभी योजनाओं का लाभ का जो राशि है उस राशि को डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके आधार कार्ड से ऐसे कितने बैंक अकाउंट लिंक है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ का राशि जो है डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर वर्तमान में आपके किस बैंक अकाउंट में सरकारी योजनाओं का लाभ का राशि जो है वो डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। इन सभी चीजों को खुद आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद गाइज आपको सर्च बार में टाइप करना है UIDAI। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप करके सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही गाइज आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। आपको सबसे ऊपर में जो यहाँ पे UIDAI का लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही गाइज आप यहां पे क्लिक कीजिएगा तो लैपटॉप में इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, बट मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। मोबाइल में किस तरह का इंटरफेस मिलता है, आइए मैं आपको मोबाइल में भी बताता हूं। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, मोबाइल में क्या करना है गाइज कि आपको ये जो पहला लिंक यहाँ पे दिख रहा है UIDAI का, गाइज आपको इस लिंक पे टच कर लेना है। जैसे ही गाइज आप मोबाइल में इस लिंक पे टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मोबाइल में शो होगा, बट लैपटॉप में जो है गाइज या फिर डेस्कटॉप में कुछ अलग टाइप का इंटरफेस शो करता है, बट मोबाइल में इस टाइप का ही इंटरफेस शो करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना, ऊपर में जो आपके मोबाइल स्क्रीन के जस्ट लेफ्ट साइड में जो थ्री लाइन दिख रहा है इस पे आपको टच कर लेना है। जैसे ही गए आप इस पे टच कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे मैं आधार का। तो सिंपली यहाँ पे मैं आधार पे आपको टच करना है। जैसे ही गए यहाँ पे मैं आधार पे आप टच कीजिएगा तो आप नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विस का। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार सर्विस पे आप यहाँ पे टच कर लेंगे। जैसे ही गए आप यहाँ पे आधार सर्विस पे टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे जैसे ही गाइज आप यहां पे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको एक ऑप्शन यहां पे देख सकते हैं मिलेगा आधार लिंकिंग स्टेटस का। तो सिंपली आपको यहां पे आपको टच करना है। जैसे ही गाइज आप यहां पे टच कीजिएगा तो आपके सामने अगेन कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पे शो होगा। तो इतना इंटरफेस यहां पे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस शो होगा। तो आइए अब मैं यहां पे लैपटॉप में बताता हूं। उसके बाद गाइज क्या करना है आपको, लैपटॉप में मैं आधार पे कर्सर लेकर के आना है और कर्सर लेकर के जैसे ही मैं आधार पे आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे यहाँ पे आधार सर्विस में आपको यहाँ पे आना है। आधार सर्विस में जैसे ही आइएगा आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चेक आधार या बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं लैपटॉप में अब यहाँ पे जो इंटरफेस आपको शो हो रहा है वही इंटरफेस यहाँ पे गाइस आप मोबाइल में भी देख सकते हैं शो हो रहा है। तो अब मैं आपको लैपटॉप से ही बताता हूँ, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। जो लैपटॉप में रहेगा वही प्रोसेस आपको यहाँ पे मोबाइल में भी करना है। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस आपको लैपटॉप में शो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस। तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पे गाइस क्या करना है, आधार नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है गाइस इस कैप्चा को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। कैप्चा एंटर करने के बाद गाइज आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। गाइज आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है या टच कर लेना है अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो। जैसे ही गाइज आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे यहाँ पे टच या क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद गाइस जैसे ही आप ओटीपी पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओटीपी सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल नंबर। तो गाइस आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा। तो आपको सिंपली क्या करना, ओटीपी को गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा लैपटॉप और मोबाइल में दोनों जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एंटर ओटीपी। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा आपको सिंपली ओटीपी इस बॉक्स में यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी मैं एंटर कर लेता हूँ और जिस ओटीपी का वैलिडिटी यहाँ पे गाइस सिर्फ 10 मिनट ही रहेगा।
तो आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही गाइज आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा, तो जिसमें गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस में जो है यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बिन डाउन। यानी कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि इसी आधार नंबर से ये जो बैंक में यहाँ पे इंडियन बैंक है ये बैंक जो है मेरा लिंक है। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक लिंकिंग स्टेटस में यहाँ पे एक्टिवेट है, और उसके बाद बैंक लिंकिंग डेट यहाँ पे 30/8/2016 को पे किया गया है। यानी कि गाइज इस बैंक में मैंने अपने आधार कार्ड को लिंक करवाया था 30/8/2016 को ही, जो कि NPCI के सर्वर से ये मैपिंग हो चुका है। इसीलिए मेरा जितना भी सरकारी योजनाओं का लाभ का राशि होता है वो इसी अकाउंट में DBT के माध्यम से आता है। गाइज यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि सरकारी योजना का लाभ का जो राशि होता है वो उसी अकाउंट में आता है जो अकाउंट आधार कार्ड से लिंक रहता है। आधार कार्ड से लिंक करने से क्या होता है गाइज कि जो आपका अकाउंट होता है वो NPCI सर्वर पे जो अपडेट हो जाता है, और अगर सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं अकाउंट में आता है जो अकाउंट NPCI सर्वर पे अपडेट रहता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे मेरा 3 बैंक अकाउंट है, लेकिन उसमें से गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एक ही बैंक अकाउंट है जो यहाँ पे आधार मैपिंग में यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी के 2 बैंक अकाउंट मेरा यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यही बैंक अकाउंट दे रखा है DBT में, और इसी बैंक अकाउंट में जो है सरकारी योजनाओं का लाभ का जो राशि होता है वो DBT के माध्यम से यहाँ पे इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी जानकारी आज की इस वीडियो में। गाइस इस वीडियो से संबंधित अगर आपको और भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।